बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं सतुल न्यूज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील, जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। दो रुकनी बेंच ने सजा मौतली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ सुनने की हदायत की है। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं जेआईटी कार्रवाई हुकूमत के जेर असर थी। बिलावल भुट्टो और वजीर अला का नाम किसके कहने पर डाला गया? मुसल्लत हुक्मरानों को पता नहीं के मुआफ या सजा या नाअहल करना अदालतों का काम है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की सिक्योरिटी पर 111 पुलिस एहलकार तैनात थे। महकमा दाखिला ने वीवीआईपी सिक्योरिटी से मुतल्लिक तफसीलात पंजाब असेंबली में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब के दफ्तर के लिए कुल 4 एहलकार तैनात हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के जाती घर पर 1 और सूबाई वज़रा की जाती रिहाइश गांव पर 2-2 पुलिस एहलकार तैनात हैं। चौधरी निसार 2018 के इंतखाबात में पीपी 10 से रुकन असेंबली मुंतखब हुए। हलफ ना उठाकर हलका के अवाम और ऐवान की तस्दीक कर रहे हैं। चौधरी निसार की रुकनीत खत्म करने का मुतालबा करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद तहरीक इंसाफ की रुकनीत असेंबली मोमिना वहीद ने जमा करवाई। कराची के इलाके नागन चौरंगी से अंडा मोड़ जाने वाले रोड पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाई। फुटपाथ पर कायम गैर कानूनी 40 दुकानें गिरा दी गई। लाहौर में आपका मुलाजमीन का माल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज। 1 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाह और अलाउंस यकसा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ नारे। जानते हैं मौसम का हाल। वादी अंदरा में 2 रोज के वक्फे के बाद फिर बर्फबारी शुरू हो गई। बालाई इलाकों में तेज, शहरी इलाकों में हल्की बर्फ पड़ रही है। अस्तूर शहर के गिरदनवा में हल्की बारिश से मजीद मौसम सर्द हो गया। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सर्दी के डेरे। स्कर्दू -15 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। कोयटा और कलात में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड। पिशावर में 1, इस्लामाबाद में 2, लाहौर में 4 और कराची में दर्जा हरारत 10.5 रिकॉर्ड किया गया।